रबर के हथौड़े से कोई भी एयर गैप हटा दें और लेवल बाटली से ब्लॉक्स का सही ढंग से लेवल होना जांचे। ब्लॉक लगाने की यह प्रक्रिया दोहराएं। ऊपरी परत लगाने के बाद यहां दिखाए अनुसार ऊपरी परत के ऊपर एक्सपांशन जॉइंट के रूप में थर्मोकॉल रखें और हमारा काम खत्म हुआ।